तो बिक्रम सिंह मजीठिया का जो असं जिक्र करिए, बिक्रम मजीठिया सम्मन होया है। सम्मन किसने किया है? दरअसल जिस मामले के बिक्रम सिंह मजीठिया जेल जाना पाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो बिक्रम सिंह मजीठिया जमानत मिली, उस तो बाद एक नवी एस आई टी का गठन हों। एस आई टी के चीफ कौन लगते हैं? ए डी जी पी पटियाला रेंज मुखविंदर सिंह छीना, जिन्हों एस आई टी चीफ लगाया जाता है। हालांकि मुखविंदर सिंह छीना की रिटायरमेंट में महज कुछ ही दिन बाकी ने, पर रिटायरमेंट तो पहला इस सम्मन से सियासत पकी हुई है। तो वड्डियां खबरां इंपोर्टेंट ने, तो तीजी वड्डी खबर जिहड़ी है वह भी बड़ी इंपोर्टेंट है कि आखिरकार पीओके के मसले पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हुण तक वड्डी चर्चा का विषय रहा, उस मसले पर अमित शाह ने वड्डा बयान दिता है कि एक इंच भी जी जमीन है वह नहीं दी जा सकती। तो इस जी है जसमीत, सब तो पहली खबर का असं रुख करांगे जिस दसांगे कि बिक्रम सिंह मजीठिया जिन्हों सम्मन होया है, सम्मन तो की भाव है। हालांकि सियासी सभा चर्चा यह सी कि वार पलटवार के दौर के वड्डा सवाल इंपोर्टेंट यह सी कि बिक्रम सिंह मजीठिया हुण सम्मन क्यों होया, ये टाइमिंग तो बहुत वड्डा सवाल सी कि इसनू सियासी समझा जाए जां वाकई एस आई टी ने इन्ना समा लैना सी इस तरीके दे नाल उन्हां नू सम्मन होया। जसमीत बिल्कुल, इस नाल असीं कुछ अजिहियां खबरां ते वी चर्चा शुरू करांगे जो दिन भर के विच वड्डियां होणगियां ते जिन्हां दा वास्ता तुहाडे नाल होएगा। सब तो पहला ना क्वेश्चन, जिस तरह तुसीं दस चुके हो बिक्रम मजीठिया दी असीं गल करांगे, ते दूसरी जिहड़ी खबर है वह है जी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम दे नाल जुड़ी हुई, जिसनूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि जेकर स्कीम सही नहीं लगी तो इसनूं बंद भी किया जा सकता। तो बिक्रम सिंह मजीठिया लैके चर्चा किस संदर्भ? बिल्कुल जसमीत, सही कहा तुसीं कि सम्मन जिहड़ा होया यह एस आई टी नवी बनाई गई सी, इस तो पहला भी एस आई टी काम कर रही सी। यह मसला बड़ा पुराना है, 2014 में जगदीश भोला पंजाब पुलिस के DSP रहे ने, जिन्होंने बाद च बर्खास्त किया गया। हालांकि भलवानी खेत्र च जगदीश भोला ने वड्डा नामना खटिया सी। जगदीश भोला जदों फड़े जाते हैं अकाली दल BJP की सरकार होंगी है जसमीत, तो उस सरकार च एक वड्डा बयान मीडिया के सामने दिता जाता है कि सारे ताने बाने के पिछे बिक्रम सिंह मजीठिया का हाथ है। इस तरीके के जिहड़े एलीगेशन तो बाद जो सियासी भूचाल अजिहा आया कि अकाली दल दे उस खबर ने पैर नहीं लगन दिया। कई करोड़ों का भी है, बहुत करोड़ी ड्रग्स नाल जेकर जोड़ के देखा जाए तो बहुत सारिया पक्तां भी इसदियां खुलदियां ने। एक वड्डी तफसील दे नाल इसकी जिहड़ी है जांच भी की गई। तो कमल इसे ते ज्यादा जानकारी दी सांझ पुण के, कमल देखो मायने बहुत वड्डे है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने हाल ही की घड़ी च कीतियां प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस तो बाद लगातार जिहड़ी है सम्मनिंग ते चर्चा हो रही है, इसके मायने की देखे जाए। बिल्कुल कृष्ण, देखो खास तौर पर बीते दिन जो सम्मन जारी हुए हैं SIT वालों बिक्रम सिंह मजीठिया होर 18 तरीक न पटियाला विखे SIT के अगे सामने पेश होंगे जोड़े कि हुक्म दिए गए हैं, उसमें लैके काफ़ी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सब तो वड्डी जो सवाली निशान ने श्रोमणी अकाली दल वालों खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि 2021 का मामला, 2021 के मामले के जिस समय मामला दर्ज होया बिक्रम सिंह मजीठिया जेल भी गए, 5 महीने जेल रहने तो बाद जमानत भी हुई, उस तो बाद SIT वालों तकरीबन 1.5 साल बाद एस्टीमेट लावे कि 1.5 साल बाद दोबारा तो सम्मन जारी करने, उसमें लैके श्रोमणी अकाली दल बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़े कि एक तरह के सवाल या निशान जरूर खड़े कर रहे हैं कि टाइमिंग जिहड़ी कि पिछले दिनों के किसी के इल्जाम लगे या किसी के होर चीज़ा हुई उन्होंने लैके जिहड़ी कि टाइमिंग से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पर दूसरी तरफ देखा जाए जो SIT है, SIT का काम की है इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि जिस समय जगदीश सिंह भोला गिरफ्तार किया गया उस तो बाद मीडिया के सामने तुसीं आप दस्सिया कि जिस तरीके बिक्रम सिंह मजीठिया होरां दा नाम लिया गया, उस तो बाद लगातार कह सकते हैं इस मामले से सियासत हुई, वख वख कह सकते जो धिर राजनीतिक धिर बिक्रम सिंह मजीठिया ने श्रोमणी अकाली दल घेरदी हुई नज़र आ रही,
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਝੂਠਾ, ਪਰ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜੋ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈ, दिन थोड़े तो भाव यह कि उन्होंने रिटायरमेंट बड़ी नज़दीक है, उन्हां तो सरकार कुछ लाहा खटना चाहती है। सही कह रहे हो तुम, इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं तो साढ़े सहयोगी कमल भी लगातार जुड़े हुए हैं, असं अपडेट्स उन्होंने तो भी लेंदे रहेंगे क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। हूँ आप इसको संबंध सियासत भी कह सकते हैं कि किस तरह के नाल सियासत है जी की जा रही है। कृष्ण बिल्कुल बिल्कुल, सो कमल बहुत शुक्रिया। सो अगली खबर का रुख करना भी बड़ा जिहड़ा जरूरी है। कमल जुड़ांगे ताज़े अपडेट के लिए, तुहाडे तो हासिल करन के लिए, फिलहाल के लिए तुहाडा शुक्रिया।